दिस इज़ लेक्चर 6 बेस्ड ऑन योर यूनिट 1 फॉर द सब्जेक्ट सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन. सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट यूजिंग पोटेंशियोमीटर एंगुलर ओके एंड समटाइम इट इज़ कॉल्ड रोटरी ओके. सो लास्ट क्लास में इफ यू रिमेंबर हमने डिस्कस किया था we discuss about the linear. Now we are talking about the angular or rotatory. Okay, so if we talk about the principle of this rotatory or angular potentiometer, so the principle is same. Okay, so this definition is same as I mentioned in previous lecture. So this principle is same. Okay, so R directly proportional to rho into L by A. If your area, length or rho, any one of is going to change, your resistance will vary. Okay, और resistance vary होगा तो obviously your output will vary. उस output को हम note down करते जाएंगे कि resistance के basis पे हमारा output कैसे vary कर रहा है. Okay, so in this way we can measure the displacement. Okay. So as I mentioned in last class कि suppose you have resistance 2 ohm okay. So 2 ohm के basis पे आपने क्या देख लिया कि अगर हम 1 millimeter चेंज हो रहा था हमारा displacement तो हमारा जो ohm है वो 2 ohm हो रहा था. अगर हमारा 2 mm चेंज हो रहा है तो हमारा ohm का जो resistance है वो 4 ohm हो रहा है. So in this way we can do the calibration part. Okay, so same we do in this रोटेटरी. वहाँ पे क्या हो रहा था इफ़ यू रिमेंबर ऐसा कोई रेजिस्टेंस होता था उसके ऊपर एक शाफ्ट लगी हो रहती थी. शाफ्ट क्या होती थी मूव करती थी ओके. और अगर मैं सिंपल जो आपको डायग्राम की बात करूँ तो वहाँ पे क्या हो रहा था सिंपल डायग्राम में कि कुछ हमारा यहाँ पे हम रेजिस्टेंस था एंड दिस रेजिस्टेंस यहाँ पे कुछ हमारा आउटपुट था. यहाँ पे एक वाइपर लगा था ये वाइपर अप एंड डाउन जा रहा था और यहाँ पे हम क्या कर रहे थे आउटपुट मेज कर रहे थे. यहाँ पे क्या जा रहा था हमारा इनपुट ओके. सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द आउटपुट वेरिएशन ओके. सो दिस इज द डायग्राम फॉर रोटेटरी पोटेंशियोमीटर और रोटेशनल पोटेंशियोमीटर. समटाइम इट इज कॉल्ड डायरेक्टली पॉट. पॉट मीन्स पोटेंशियोमीटर ओके. So the potentiometer converts angular displacement into voltage. Obviously हम अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा होगा आउटपुट वोल्टेज आ रहा होगा एंड दीज आर वेरी सिंपल एंड लो कॉस्ट ट्रांसड्यूसर ओके. सो अगर हम अरेंजमेंट की बात करें यू कैन सी हियर अरेंजमेंट वी आर अप्लाइंग इनपुट वोल्टेज ओवर हियर एंड वी आर मेजरिंग आउटपुट वोल्टेज हियर ओके. और यहाँ पे हमने क्या किया एक शाफ्ट लगा दी और उससे एक वायर आप देख रहे हो दिस इज वाइपर कनेक्टेड ओके. अब ये वाइपर क्या करेगा इट विल मूव ओके. सो यू कैन सी हियर इज द डायरेक्शन ठीक है मैं इसको रफ कर देता हूँ. डायरेक्शन आपको दिख रही है. अब ये या तो ऐसे मूव करेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी है ठीक है. सो यू कैन सी हियर दिस इज द लेंथ. ये जो वाइपर मूव करेगा तो एक तरह से इसकी लेंथ भी चेंज होगी ठीक है. सो यू कैन सी हियर दिस इज द थीटा आई मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है थीटा आई और ये चेंज हो रहा है ये आपका थीटा आउट. तो अगर लेंथ के टर्म में बात करें तो ऑब्वियसली अगर ये वेरी करेगी तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा आपका आउटपुट चेंज हो जाएगा ओके. सो फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज 350 डिग्री इनिशियली ये वाइपर कहाँ है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वेट जस्ट ये वाइपर कहीं यहाँ पे ओके. सो यू कैन सी हियर कि लेट्स सी यहाँ पे 350 डिग्री है. अब जैसे इसने यहाँ मूव किया ओके. सो कुछ वेरिएशन हुआ लेंथ में और आपने देखा कि अब हमारा जो सॉरी जैसे अगर हम लेंथ की बात करें
हमें लेंथ तो चेक करना है, मेजर करना है. सो आप देखें, अगर आपने इसे 10 डिग्री मूव किया, सो देयर विल बी सम चेंज इन आउटपुट, चेंज इन आउटपुट, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लेंथ. ओके, एक्सक्यूज मी. सो इन दिस वे वी कैन मेजर दी योर दी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जैसे जैसे डिग्री में चेंज हो रहा है आपके, थीटा में चेंज हो रहा है, हाउ दी लेंथ ऑफ द वायर इज गोइंग टू चेंज. ओके, प्रिंसिपल इज सेम और इक्वल टू रो इन टू एल बाय ए. ओके, नाउ दिस इज अनदर एग्जाम्पल. सपोज यू हैव हेलिकल मल्टी टर्न पॉट. ओके, मीन्स अब प्रीवियस केस में क्या था, एक टर्न था, अब आपके पास ऐसे बहुत सारे टर्न. सो इंक्रीजिंग योर एक्यूरेसी वी यूज समटाइम्स दिस मल्टी टर्न पॉट. ओके, रिजोल्यूशन एक्यूरेसी इंक्रीज करने के लिए हम ये इस तरह के मल्टी टर्न पॉट यूज करते हैं. सो प्रिंसिपल इज सेम, जो प्रिंसिपल हमारा उसमें हो रहा था, सेम इसमें चेंज होगा कि ये मूव करेगा यहाँ पे. यू कैन सी हियर, वी कैन चेक योर आउटपुट वोल्टेज ओवर हियर और इनपुट वोल्टेज. सो ये मूव करेगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट में वैल्यू मिलती जाएगी. ओके, सो सिंपल मेजरमेंट, ठीक है, जैसे जैसे एंगल चेंज होगा आपका रेजिस्टेंस चेंज होता जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो रही है, लेंथ चेंज हो रही है. इफ वी टॉक अबाउट द एप्लीकेशन, सो वेन एवर यू हैव रिक्वायर्ड अननोन रेजिस्टेंस, अननोन वोल्टेज एंड अननोन डिस्प्लेसमेंट, हम क्या यूज करते हैं, यूज दिस रोटेशनल पोटेंशियोमीटर. कि अगर आपके पास रेजिस्टेंस अननोन है, वोल्टेज अननोन है, डिस्प्लेसमेंट अननोन है. एडवांटेजेस आर सेम, दीज आर द लो कॉस्ट, सिंपल टू ऑपरेट, मीडियम डिस्प्लेसमेंट. ओके, बट इन बेटर इन कंपैरिजन ऑफ द लीनियर. ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टी टर्न यूज हो रहे हैं. ओके, सो अब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. एंड ऑब्वियसली आउटपुट वोल्टेज क्या मिल रहा है, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज. सो वोल्टेज अगर मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल रहा है, तो नो नीड टू योर यूज द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी ज़्यादा होती है. दीज आर द डिसएडवांटेजेस, लिमिटेड रेजोल्यूशन, लेस सेंसिटिव, लॉसेस ड्यू टू स्लाइडिंग वायर. यहाँ भी वायर यूज, आपका शाफ्ट यूज हो रहा है, वाइपर यूज हो रहा है, सो स्लाइडिंग जो भी उसकी वजह से लॉसेस होंगे वो, एंड लिमिटेड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स. सो दिस इज ऑल अबाउट योर रोटेशनल पॉट और एंगुलर पोटेंशियोमीटर. थैंक यू स्टूडेंट्स.